दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वेयर पार्क इज़ 25 स्क्वेयर किलोमीटर, द टाइम टेकन टू कंप्लीट अराउंड द फील्ड वंस एट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर का जो एरिया है वो दिया गया है 25 स्क्वेयर किलोमीटर, इसका एरिया दिया गया है। और टाइम हमने फाइंड आउट करना है कि इसके अराउंड एक राउंड लगाया इस फील्ड के अराउंड, तो उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आ रहा है और कितने टाइम में लगाया, यानी कि हमने इसमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वेयर। एरिया ऑफ स्क्वेयर आ जाएगा साइड इनटू साइड, यानी कि साइड स्क्वेयर। तो एरिया कितना दे दिया हमें, 25 स्क्वेयर किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा साइड का स्क्वेयर, और ये जो स्क्वेयर है दूसरी साइड जाके स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर। तो जब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर ये आ जाएगा 4 इंटू साइड। तो 4th साइड कितनी आ गई हमारे पास, 5। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 20। पेरीमीटर कितना बन गया जी, 20। तो अब हमने निकालना है टाइम। तो हमें फार्मूला पता है कि हमारे पास पता है, ये फार्मूला जो बेसिक होता है, स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकाल लेंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इस इक्वेशन से, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 20 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी दी है, 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर के साथ किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास रह गया 20, ये हमारे पास आ गया 20 बाय 3 और। तो जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे 20 को 3 के साथ, 3 6 18, तो 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 2 बाय 3 आर। तो अब हमारा जो आंसर है वो आर और मिनट में दिया हुआ है, ये हमारे पास कंप्लीट आर है, तो इसे हम मिनट में चेंज करेंगे। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 आर प्लस 2 बाय 3 आर। इसे ब्रेक कर लिया तो 6 आर का तो 6 आर रहेगा, इसे हम मिनट में चेंज करेंगे, 2 बाय 3 ये आ जाएगा 60 मिनट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, और 20 इंटू 2 ये आ जाएगा 40, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 6 आर 40 मिनट, 6 आर 40 मिनट। तो इसका आंसर आ गया जी, इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी, 6 आर 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वेयर 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द 3rd स्क्वेयर हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वेयर।
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास टू स्क्वायर हैं, एक का पेरीमीटर दिया है 40 और एक का पेरीमीटर दिया है 32। तो हमने एक थर्ड स्क्वायर है इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया, इनका जो एरिया है वो द डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर, ये जो दो स्क्वायर हैं इसके एरिया का जो डिफरेंस है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें दिया गया है पेरीमीटर, तो यहाँ पे हम निकालेंगे साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड तो हमें निकालेंगे, तो हमें पता है जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 × साइड। तो जब हम साइड निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40, क्योंकि टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है 40 बाई साइड कितनी है 4। तो कैंसिल करेंगे तो इसकी जो साइड कितनी आ जाएगी जी 10। ठीक है जी, फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 10। अब हम सेकंड निकालेंगे, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की साइड निकालेंगे 32/4, इसे कैंसिल करेंगे ये कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों स्क्वायर की हमारे पास साइड आ गई है। अगर यहाँ पे एक स्क्वायर हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं, तो इसकी एक की साइड आ गई जी 10 और इसकी एक की साइड आ गई 8। तो नेक्स्ट दिया गया है द एरिया इज डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट का एरिया आ गया 10 का स्क्वायर कर देते हैं, दूसरे आ गया 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 100, यहाँ पे कर लेते हैं ये आ जाएगा 100 - 64, ये इज इक्वल टू आ जाएगा जी 36। ये कितना आ गया 36। एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 36। तो जैसे इसकी हम साइड निकालेंगे, साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 36 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 6। तो हमने निकालना है इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। तो साइड कितनी आ गई हमारे पास 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे जी कितना आ जाएगा 624 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो अब इसकी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर है 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो, देन लेंथ एंड ब्रेथ विल बी इन रेशियो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी एक लेंथ और पेरीमीटर की जो रेशियो है वो इतनी है। तो यहाँ पे अगर लेंथ हम लेट करें L है, तो इसका पेरीमीटर आ जाता है हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी 5/80। ठीक है जी, अगर हम इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18L इज इक्वल टू 5 × 2 आ जाएगा 10 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 18L
इज इक्वल टू 10L + 10B। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18 लेंथ माइनस 10 लेंथ इज इक्वल टू 10B, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8L इज इक्वल टू 10B। तो इसकी अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा L/B। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, बी के साथ 10, यहाँ पे आ जाएगा 10/8, क्योंकि जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू यही बननी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास L/B इज इक्वल टू 10/8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 to the 10, 4 to the 8। तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगी लेंथ रेशियो ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ रेशियो ब्रेथ, यानी कि 5:4। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।